यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल अकबर 07। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गीगनेट नेटवर्क टूल एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों बहुत से लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया लेकिन इनको यूज करने का बिल्कुल भी सही तरीका नहीं पता। तो आपका दोस्तों आपको सारी जानकारी देने वाला है अपनी इस वीडियो के अंदर। अगर आपने डाउनलोड किया है और आपको बिल्कुल भी इसको यूज करते नहीं आ रहा है तो वीडियो को एंड तक के देखना, क्योंकि वीडियो को देखने के बाद में आप इसका सही तरीका जान लोगे और इससे क्या क्या फायदा और क्या क्या नुकसान हो सकता है ये भी आपको पता चल जाएगा। बात करें सबसे पहले इसके रिलीज डेट की, तो 31 मई 2022 को रिलीज हुआ है लेकिन अपडेट हुआ है 30 जनवरी 2023 को। रेटिंग पॉइंट है 3.6 और 50 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया है। तो चलिए बिना किसी टाइम पास से एप्लीकेशन को कर देते हैं ओपन, और ओपन करने के बाद में दोस्तों इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे हमको कुछ एडवर्टाइजिंग वगैरह देखने के लिए मिलेगी या फिर डायरेक्टली भी एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। तो आपको कंटिन्यू टू ऐप पर ऊपर की साइड से क्लिक करना है। ये एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से हो चुका है ओपन। अब बहुत से लोगों को इसमें भी दिक्कत जा रही है कि भाई ये ओपन हुआ तो इसको यूज कैसे करना है, क्या करेंगे। तो सिंपली आपको यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यू वाला ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे सिंपली आपको वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्री देखने के लिए मिलेगी, सिडनी, वियतनाम। तो आपको कोई भी कंट्री को कनेक्ट कर लेना है यानी क्लिक कर लेना है उस पर। तो यहाँ पर सिंपली मैंने यूके लंदन पर क्लिक कर दिया। उसके बाद में आता है कनेक्शन रिक्वेस्ट, उसके लिए हमको ओके कर देना है। ओके करने बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपको सेटिंग का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप सेटिंग पर जाओ तो सेटिंग पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ एडवर्टाइजिंग आती रहती है तो आपको उसको ऊपर की साइड से हटा देना है। यहाँ देख सकते हो सिंपली यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, सिंपली हमारा सक्सेसफुली भी हो गया है और एडवर्टाइजिंग को आपको कंटिन्यू टू हटाते जाना है। सेटिंग पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी, नेटवर्क टेस्ट, बूस्टर, फीडबैक एंड सपोर्ट, रेटर्स, अबाउट अस, तो हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उसका वर्जन है 1.1.2। दोस्तों अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत और परेशानी जाती है तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और इसके जीमेल के ऊपर क्लिक करने के बाद में इसके ओनर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। बहरहाल इस एप्लीकेशन का काम यही है, मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो एप्लीकेशन एक सर्वर एप्लीकेशन है जो कि अलग अलग सर्वर कनेक्ट करने का काम करती है। और इसमें आप अगर सोच रहे हो कि इसमें वो वाला काम होगा जो कि हम आपने एडवर्टाइजिंग वगैरह में देख कर आया है, जो भी आपने एक्सवाइजेड एडवर्टाइजिंग देख कर आई है, तो वैसे इसमें कोई भी काम नहीं होते, ना इसमें फोटो एडिटिंग होते हैं और ना ही कोई अच्छी चीज आती है। बस यही सा काम है एप्लीकेशन का, जो कि फ्री फायर पबजी वाले आसानी से इस चीज को जानते हैं। तो आई होप कि आपका अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।